नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। पुराने वित्तीय वर्ष के 52 सप्ताह निकल गए। हर सप्ताह में आपको डिफरेंट राशि के राशिफल के बारे में बात करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के लिए जो राशिफल है वो एज इट इज़ निकल जाता होगा, काफ़ी लोगों का कुछ डिफरेंट आता होगा। कभी आपने ये सोचने के लिए समझा कि ऐसा क्यों होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने वीकली प्रेडिक्शंस दी, वो सेम थी या कुछ डिफरेंट थी? थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैं इससे पहले कि मैं नए साल नए वित्तीय वर्ष के बारे में पहले वीक के बारे में कुछ बताऊं, डिफरेंट राशि के जातकों के लिए नया वित्तीय वर्ष का पहला सप्ताह कैसा रहेगा। होता क्या है कि जो हम राशिफल की बात करते हैं, ये हम नॉर्मल राशिफल की बात करते हैं, जो डिफरेंट स्टार्स की डिफरेंट पोजिशन की डिफरेंट राशि पर प्रभाव आते हैं। फिर आता है कि एक इंसान के अपने कर्म, अच्छे या बुरे कर्म, उसके हिसाब से इन राशि का और इन स्टार्स का डिफरेंट राशि पे क्या प्रभाव आता है। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हम बहुत पॉजिटिव हैं, यदि किसी भी नेगेटिव एनर्जी जो या नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी प्लैनेट का या किसी भी प्लैनेट के कंजंक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो हमारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है मैलेफिक इम्पैक्ट, और हम पॉजिटिविटी में, चाहे वो टाइम ख़राब भी हो, बट उसमें हमें वो नेगेटिव टाइम का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। तो जो सार है पीछे, जो सत्य है, वो ये है कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें। एस्ट्रोलॉजी एक मीन्स है जो सजेस्ट करता है कि इन नेगेटिव प्लैनेट के कंजक्शन से ये चीज़ें होने वाली हैं, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए ये उपाय हैं। जो लास्ट में सब कुछ बॉइल डाउन होता है वो ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, इतना पॉजिटिव बनाएं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव प्लैनेट का कंजक्शन आपको इम्पैक्ट ना दे पाए। यही जीवन का एक सत्य है। यदि जो इंसान अपने कर्मों से अपना स्पिरिचुअल रह के, दूसरे का भला करके, नेगेटिव ना सोच के जो एक पॉजिटिव एनर्जी आप ग्रहण कर सकते हो, वो आपको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट से, चाहे राशि के आपके भाग्य में, लग्न कुंडली में, नवमाशा में कोई सा भी दोष हो, चाहे पितृदोष हो, प्रेत योग हो, पिशाच योग हो, श्रापित दोष हो, गुरु चंडाल योग हो, उनका इम्पैक्ट या तो बहुत मिनिमाइज हो जाता है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये एक बेस लाइन है जो हमें समझने की ज़रूरत है। राशिफल डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताए हुए डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट हो सकते हैं, उनमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, उनके बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, आपके अपने कर्मास के हिसाब से वो काफ़ी कुछ डिफर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि नया वित्तीय वर्ष जो शुरू हो चुका है, उसका पहला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ रुद्राक्ष छह मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों की आय में इजाफा होने के प्रबल योग हैं। पैसे का आगमन तो होगा, परंतु सेम समय के हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। कारोबारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। जॉब चेंज करने का इस सप्ताह में बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें। इस सप्ताह में आपको अगर कहीं पे स्थानांतरण होने की आपकी संभावना है, तो इस सप्ताह में आपको सूचना मिल सकती है। विदेश यात्रा के भी इस सप्ताह में योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश यात्रा या डोमेस्टिक ट्रैवल जो है आर्थिक मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, तो आपकी यात्रा सफल होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के लिए भाग लेने का अनुकूल समय है। दाम्पत्य जीवन में संदेह के शिकार हो सकते हैं। मित्रों के साथ, बंधुजनों के साथ आपके विवाद होने की प्रबल संभावना है। पुरानी बीमारियां इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं। घरेलू जीवन में संतोष की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी एवं माता की सेहत का, दोनों का ख्याल रखना इस सप्ताह काफ़ी ज़रूरी है। वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय बेहद सावधानी बरतें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं महागुरु गौरव आपको आने वाले इस वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह आपके लिए, सभी जातकों के लिए अच्छा रहे और आप दिनों दिन उन्नति तरक्की करें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।